अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल गुड। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि कल की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने पसंद की। जाहिर सी बात है, मान की वीडियो होती है ज़्यादा लंबी, लेकिन कल मान था नहीं और आप लोगों को मैंने बताया भी नहीं कि वो कहाँ है, क्यों नहीं बनाया गया इतने वीडियो। तो वो असल में इज्तिमा में गया हुआ है, इंशाल्लाह वो कल उसकी वापसी है। तो इंशाल्लाह कल तो वो आ जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि फार्म पे नहीं आ सकेगा। तो मैंने बोला कि मैं ही अपडेट दे देता हूँ सारे जानवरों की, बछड़ों की भी आपने बहुत पसंद की और काफ़ी लोगों ने नाम सजेस्ट किए जो नया बछड़ा आया है, और काफ़ी अच्छा लगा। नाम काफ़ी नाम आए मेरे पास कि इसका नाम क्या होना चाहिए, और काफ़ी लोगों ने बोला, किसी ने बोला कि इसका नाम क्या कहते हैं मुफासा होना चाहिए, किसी ने बोला कि लंबर होना चाहिए। काफ़ी लोगों ने यानी कि नाम सजेस्ट किए हैं। इंशाल्लाह एक नाम डिसाइड करके इसका नाम भी इंशाल्लाह रख देंगे। आप लोग जितने नाम समझ में आते हैं आप लोग कमेंट पे ज़रूर इसके हवाले से मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या नाम ज़्यादा पसंद है इसके हवाले से। तो नया बछड़ा इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। बछड़ों की तरफ मैं आ गया हूँ, तो देखते हैं बछड़े और बकरों की तरफ भी चलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी दाने पे यानी कि वंडा चल रहा है इनका, और वंडा निपटा रहे हैं ये माशाल्लाह से सारे के सारे, देख सकते हैं आप। किसी ने ख़त्म कर लिया है, कोई अभी भी खा रहा है, बछड़ियों में भी काफ़ी अभी तक वंडा रखा हुआ है। अभी डाला है नसर भाई ने, तो सारे ही तकरीबन अभी खाने में मसरूफ़ है। थोड़ी देर बाद इनकी तरफ मैं आता हूँ, बाकी बकरों की तरफ मैं पहले चल लेता हूँ। तब तक ये भी इंशाल्लाह फ्री हो जाएंगे तो इनकी फिर बनाते हैं वीडियो। अच्छा, तो इनका भी वंडा, इनका भी दाना डल गया है और इन्होंने निपटा दिया, अल्लाह का शुक्र है। बाकी बकरियों में और बच्चों ने भी निपटा दिया है, तकरीबन ख़त्म पर है। थोड़े बकरे हैं जो खाने पीने में मसरूफ़ हैं। बाकी उसके हवाले से मैंने अभी इसको इंजेक्शन लगाया है, क्योंकि उसके पैर जो है ना वो कमज़ोरी की वजह से उसका थोड़ा पैर ना टेढ़ा हो रहा है, तो उसको ताकत का और कीटोजेट जो दर्द का होता है, जो जॉइंट्स को मजबूत करता है, उसका इंजेक्शन लगाया जब भी वो अभी बैठा हुआ है। तो बाकी इधर छोटे सारे अल्हम्दुलिल्लाह सेट हैं। बाकी ये शेरू आ गए, आप बताएं इनमें से मैं इंशाल्लाह फिर इनका किस किस का वेट, आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह बकरों में भी वेट करेंगे इनका। तो आप लोग बताएं कि किस किस का वेट करना चाहिए मुझे, और फिर कोई चार बकरे ऐसे डिसाइड करें कि उनके वेट किया जाए। मेरा ख़्याल है कि चार बकरे जो हैं बड़े हमारे, पहले उनसे स्टार्ट करते हैं, या आज से ही स्टार्ट कर लेते, फिर आप लोग उनके नाम जो है ना वो आप लोग बताएं क्या होना चाहिए, ठीक है। मुझे तो लगता है ये चारों दुम्बे जो है ना इनका वेट होना चाहिए। माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग प्रोग्रेस पे चल रहे हैं चारों। और बाकी ये राजनपुरी, पिछली दफ़ा ये 98 पे था, इस दफ़ा हम कर लेते हैं इसका वेट दोबारा से। बाकी आप इसका भी नाम सजेस्ट करें राजनपुरी का। बाकी वो तीन जो बकरे हैं, एक दो और वो तीन, उनका भी आज वेट करते हैं, ठीक है। राजनपुरी का वेट करते हैं, इस वाले बकरे का वेट करते हैं, इसका करते हैं, और वो पीछे वाले का करते हैं, ठीक है। हाँ भाई ना, किको वेट करें बकरों का, हैं वज़न करें। चार बकरे निकाल लेते हैं, एक ये वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। राजनपुरी, एक वो जो जा रहा सफ़ेद वो, ठीक है। एक ये जो आ रहा है ये, और इसके पीछे जो खड़ा हुआ है दाना जो खा रहा है, इसको लिया पहले। हाँ इसको लिया था।
अच्छा जी, तो ये ज़ीरो पे है, राजनपुरी का कर रहे हैं। इसका नाम ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि इसका नाम क्या होना चाहिए। वैसे मैं तो इसको राजनपुरी ही कहता हूँ, राजनपुरी क्रॉस है। चल चल, माशाल्लाह, थोड़ा सा ढीला छोड़ इसको, 101 माशाल्लाह। पिछली दफ़ा ये 98 पे था और अभी इसने तकरीबन 100 पे जा चुका है ये, माशाल्लाह। निकाल, इसको खड़ा रखियो। छत पे जब हम लोग थे, जब वापसी जब आ रहे थे इधर गिडाप में, यानी कि उधर से छोड़ के छत का सेटअप ख़त्म करके जब गिडाप पे आ रहे थे, तो हमने उसके अगले दिन ही, यानी कि जब इधर शिफ्टिंग होनी थी बिन खालिद पे, तो उससे एक दिन पहले ही हमने ये परचेज़ किए थे, जिसमें से एक अनफॉर्चुनेटली छत से घिर के, यानी कि वो मर गया था डक में उसी दिन, जिस दिन हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे। ये एक सैड न्यूज़ थी उसके हमारे लिए, और जिस दिन हमने शिफ्टिंग करनी थी उसी दिन वो उस पर गिर गया था, तो बड़ा दिल दुखा था। इसका भाई था, दोनों एक जैसे थे माशाल्लाह, लेकिन ये सरवाइव कर गया उधर, और माशाल्लाह अब इसको देख सकते हैं। मैं इसकी वीडियो भी लगाऊंगा, पिक्चर लगाऊंगा इंशाल्लाह इसके वीडियो में, तो इसका वेट करते हैं। अच्छा जी, तो इसका जो वेट आ रहा है 77 वेट है माशाल्लाह से, अल्लाह नज़रे बस से बचाए। चलो निकालो इसको। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि ये जो हमारे पास ना बचपन से ही है, समझ लें तकरीबन ये जब 3 महीने का था तब से माशाल्लाह हमारे पास पल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो ये सिराज वाला बकरा है माशाल्लाह से, इसने भी अपनी हाइट पे काफ़ी फोकस किया, और वो तो सिराज ही इसको बता सकेगा कि इसमें कितनी अच्छी तब्दीली आई है माशाल्लाह से, माशाल्लाह। अच्छा जी, तो इसके भी सिराज के बकरे का भी 68 छोड़ दे, 68 पे माशाल्लाह, ये 68 पर है माशाल्लाह से। अच्छा जी, तो ये आसिफ भाई का बकरा है, इसने जैसा था उसमें, यानी कि इसने हाइट में माशाल्लाह अच्छी इम्प्रूवमेंट की है। वैसे तो हाइट में ये वैसे ही शुरू में अच्छा ही था, लेकिन हाइट में इसे तवज्जो दी है, लेकिन इसने थोड़ा सा अपने गोश्त भी बनाया माशाल्लाह से। लेकिन ये है कि ये थोड़ा आपको लग रहा होगा कि कम खाया हुआ है, लेकिन ये माशाल्लाह अच्छा खाना पीने में बहुत। अब ये जाके जो इसका घी चला है ना, इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि ये और ज़्यादा खुलेगा गर्मियों में, इंशाल्लाह रिजल्ट नज़र आएंगे। निकल रहे हैं, तो वैसे बहुत अच्छा बकरा है माशाल्लाह से, बहुत प्लेफुल बकरा है, और लेंथ भी इसने अच्छी बना ली है माशाल्लाह से। बस इसका भरना अब रह गया, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये ज़रूर, जो इस पर घी चला है इंशाल्लाह ये ज़रूर ये अपना रंग दिखाएगा।
अच्छा जी, ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है, 59 पर है माशाल्लाह, 59 60। चलो निकाल लो माशाल्लाह। अच्छा जी, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। ज़रूर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन चारों में से इनके नाम क्या होने चाहिए। जो मैंने आसिफ भाई का निकलवाया उनका नाम बताइएगा, बाकी सिराज का बकरा था गुलाबी में वो बताइएगा, क्या कहते हैं मुनीब भाई का बकरा है वो ज़रूर बताइएगा, और राजनपुरी का भी नाम ज़रूर बताइएगा, ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। बाकी मैं बछड़ों की तरफ आ गया हूँ बातों बातों में, और अभी भी भोला तो निमटा ही रहा है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ पीछे से माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचा है। सुल्तान खा के खड़ा हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैं इस वक्त जो खड़ा हूँ ना, मैं एक्चुअल जो मेरी आई लेवल होता है, जिसे आई लेवल कहते हैं, उससे भी थोड़ा नीचे ही हूँ मैं, लेकिन जहाँ से मैं बनाता हूँ वीडियोस वही एंगल है, वही पोजीशन है, लेकिन इसकी हाइट आप देख सकते हैं माशाल्लाह। देखिए मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये मेरे कंधों पे आने लग गया है। अगर मैं कीकू को बोलूँ, कीकू कहाँ है, काम कर रहा है उधर, अगर मैं कीकू को बोलूँ तो मैं आपको इसका अंदाज़ा बता सकता हूँ कि कितना हो गया है। कीकू कीकू को बुला के मैं वीडियो बनवाता हूँ। ये ले, लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये कितना इसकी लेंथ हो गई है, और मेरे कहाँ आ रही है इसकी कोहान माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए। आप देख सकते हैं वीडियो में इतना अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन आप देख सकते हैं मैं खड़ा हो गया हूँ, मेरी हाइट 5.5 फीट है, 5 साढ़े 5 फीट से ज़्यादा ही है, लेकिन ये देख रहे हैं माशाल्लाह इसकी हाइट है। और ये और निकाल रहा है, सुल्तान की देखें, सुल्तान छोटा लगने लग गया, हालांकि सुल्तान इससे थोड़ा बड़ा ही था, लेकिन सुल्तान भी माशाल्लाह अपने वेट पे इतना वो कर रहा है, वेट इसने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। इसके पास मैं जाऊँगा नहीं, मैं ले लेता हूँ पीकू से। तो भाई आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने बड़े जानवर दिख रहे हैं, यानी कि वीडियोस में नहीं दिखते, लाजमी सी बात है, लेकिन यहाँ पे आता है कोई वो यही कहता है कि वीडियोस में वाकई में अंदाज़ा नहीं होता बछड़ों का। तो ये रिज़ल्ट है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नज़र बस से बचाए। बाकी ये नया बछड़ा है, इसका नाम सजेस्ट करें और सजेस्ट करें थोड़े, ताकि जो ज़्यादातर नाम होंगे ना इंशाल्लाह वही इसका नाम रख देंगे। खैर मैंने मुश्तबा भाई से ही पूछा है कि क्या नाम होना चाहिए, उनका भी रिप्लाई आता है, तो इंशाल्लाह इसने थोड़ा कम खाया है क्योंकि ये कल ही आया है, तो ये यूज़ टू नहीं है इतना खाने में, लेकिन खाया है इसने, ऐसा नहीं है कि नहीं खाया। हाँ मारा तो है मुँह, लेकिन थोड़ा कम खाया है इसने, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बाकी मुश्तबा भाई कह रहे थे इसके खुर वो हैं, तो एक है पॉइंट तो है कि इसके काले खुर हैं, काले और पीछे से थोड़े सफ़ेद खुर हैं, लेकिन ये है गुलाबियों में ही, ऐसा नहीं है। गुलाबी तो आपको पता है एक कलर है, और काफ़ी लोगों ने मुझे पांडा भी कहा है इसका नाम रखने, क्योंकि इसकी पांडे जैसी आँखें, और खजला भी मुझे मैसेज जब वो आया है कमेंट कि इसका नाम खजला रखें, क्योंकि इसके कान दोनों कानों में और दोनों आँखों में और नाक पे भी इसके ना काला टप्पा है माशाल्लाह से, ये देख सकते हैं, अल्लाह नजर बस से बचाए। बाकी ये उधर जाने देंगे तो मैं उधर जाता हूँ। शा शा डर रहा है काफ़ी, चल ये अफलातून नंबर 2, ये देख ये देख ये देख,
अब लोग कहते हैं कि मारा नहीं करें जानवरों को, भाई थोड़ा सा इनको सुधारने के लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस चाहिए होती है, क्योंकि ये आप नहीं संभाल सकते उसके बाद इन ऐसे जानवरों को, जैसे अफलातून है और ये जिस तरह अपनी पीठी घुमा रहा है मुझ पे, तो ये किसी भी वक्त घुमा सकता है। तो लोग ये देख रहे हैं, इसका एग्रेशन देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा मारना। नसर भाई के हवाले से मैसेज वो आया था कि नसर भाई जानवरों को नहीं मारा करें, लेकिन वो पूरा दिन इनके साथ होते हैं, उनको पता होता है कि किसको किस तरह हैंडल करना है, क्योंकि वो नया बछड़ा आया है तो जाहिर सी बात है उसको इधर के माहौल में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो और नसर भाई का थोड़ा सा डर, वो कहते हैं ना कि वालदेन का डर होना चाहिए, तो यही बात है कि वालदेन का नसर भाई का उस पर डर, यानी कि डर बिठा रहे हैं वो उस पर ना अपना, कि ताकि मुझसे डरे तो सेट रहेगा। बाकी ज़्यादातर जानवर तो यहाँ पे ऐसे हैं कि कोई अल्लाह का शुक्र है ऐसे मारने धारने वाला नहीं है। भोला हो गया, सुल्तान हो गया, ये बड़े जानवर हैं, ये इतना नहीं मारते जितना क्या कहते हैं अफलातून है और वो गेना जो आया है। बाकी अभी उसमें भी एग्रेशन है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं है। और ये क्या कहते हैं सिम्बा में भी थोड़ा एग्रेशन है, सिम्बा को नथ लगा दिए, वो अपसेट हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी ब्राउनी और माशाल्लाह इसका गड्ढा भरना बिल्कुल शुरू हो गया, और गोश माशाल्लाह इसने और यूँ बनाना शुरू कर दिया है। बाकी ये नहीं वाली बछड़ी है माशाल्लाह, इसने तो निमटा दिया, अल्लाह का शुक्र है। कुछ जानवर होते हैं जो एडजस्ट हो जाते हैं, अभी उसने वंडा दे के खा रहा है वो, अभी भी यानी कि स्लो स्लो है लेकिन वो खा रहा है। तो इंशाल्लाह वंडे पे सेट हो जाएंगे तो जानवर अपने आप बोलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बाकी ओरियो को बता रहा था मैं माशाल्लाह से, पेट जो इसका अंदर गया हुआ था ये देखना, अब इसका पसलियाँ जो दिख रही थी इसकी अब ख़त्म होना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। बाकी ये ब्राउनी माशाल्लाह, और मलाई माशाल्लाह, परी माशाल्लाह, माशाल्लाह अल्लाह नजरे बस से बचाया, भी इनका वंडा चल ही रहा है इंशाल्लाह ताला, ये आराम आराम से खा के निमटा देंगे, बहुत सारे ने निमटा दिया है और कुछ रह गए। बाकी मैं शेड की अपडेट दोबारा दे देता हूँ, कल वाला ही माहौल है यहाँ पर, क्योंकि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है और आज आए भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ शेड का ही काम रह गया और नपाई वो करके चले गए। तो इंशाल्लाह जल्द कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर बनता हुआ दिखा दें इसको, कि कब काम शुरू हो रहा है कब काम ख़त्म हो रहा है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोग वीडियो डालिए, ज़ाहिर सी बात है सबको पता चल जाएगा जिन्होंने बुकिंग वगैरह की हुई है। तो बस ये है कि उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में काम ख़त्म हो जाए, ताकि जो फरवरी का फर्स्ट वीक है तो उसमें आप लोग जानवर अपने लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, थोड़ा जल्दी एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। माशाल्लाह से आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों सबका सपोर्ट करने का, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और इंशाल्लाह ये बाड़ा भी और ये एरिया भी इंशाल्लाह जल्द भरने वाला है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है भाई, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकअल्लाह।